हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत कैवियट एम्प्टर के बारे में। कैवियट एम्प्टर क्या होता है, यानी कि क्रेता सावधान का सिद्धांत जो अगर हिंदी में कहें तो आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे होता है, क्या अप्लीकेशंस होती हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैवियट एम्प्टर जो है एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। मतलब इसमें ये बताया गया कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि क्रेता सावधान। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये बताता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर खरीदने जा रहा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, गुड्स को खरीदने से पहले उसको प्रॉपरली एग्जामिन करे, चेक करे उसकी क्वालिटी को, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं वर्दी है, वो समझने की कोशिश करे। कारण ऐसा क्यों क्यों दुकानदार क्यों नहीं बताना चाहिए उसको कि क्वालिटी खराब है कि नहीं। देखिए, दुकानदार वहाँ बिजनेस करने के लिए बैठा है, एंड ही इज गोइंग टू डील विद मल्टीपल पीपल। उसको एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को डील करना है, तो हर समय एक स्पेसिफिक कस्टमर को वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता है। इस वजह से आपको क्या है, जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट उसके यूज़ का है कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो पूरी तरीके से क्रॉस चेक करें। सामान खरीदने से पहले उसको पूरी तरीके से देखना होगा, समझना होगा कि उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर उसको कोई कमी लग रही प्रोडक्ट में या किसी चीज़ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले रहा है, तो वो पर्पस दुकानदार को बताना पड़ेगा उसको कि उसी पर्पस के लिए उसको वो सामान चाहिए। नहीं तो दुकानदार समझेगा कैसे, दुकानदार अपने विवेकानुसार जो है उसको कोई प्रोडक्ट दे देगा। और जब दुकानदार कोई प्रोडक्ट दे देगा और बाद में आप कोर्ट चले जाओ, क्लेम करो कि हमने इनसे ये मांगा था और हमारे काम का नहीं था, तो नहीं, कोर्ट नहीं सुनेगा। इसी तरीके से केस हुआ था, एक बंदा था लंदन में जिसको शादी के लिए घोड़ी चाहिए थी। अब वो घोड़ी वाले के पास जाता और उसको कहता है कि मुझे घोड़ी चाहिए, तो घोड़ी तो वो दे देता है तुरंत ही तुरंत दुकानदार, और वो खरीद के अपने घर चला जाता है। दोबारा शादी में जाता है, शादी में जब बुलेट फायरिंग होती है, घोड़ी पे बैठता है, तो घोड़ी भाग जाती है और वो चोटिल हो जाता है। तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट से कहता है कि सर, मेरी शादी थी, मैंने इनसे घोड़ी मांगी थी, इन्होंने मुझे रेस वाली घोड़ी दे दी। तो कोर्ट ये कहता है कि भैया, आपको तो बताना चाहिए था कि आपको किस पर्पस के लिए घोड़ी चाहिए। अगर आप शादी वाली घोड़ी मांगते तो शादी वाली घोड़ी देता, तो आपके साथ ऐसा कृत्य ही नहीं होता। अब उसने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए, जो आपको शादी वाली घोड़ी की जगह रेस वाली घोड़ी दे दी, क्योंकि आमतौर पर घोड़ा आदमी रेस के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस वजह से उसका दावा जो है खारिज हो जाता है कोर्ट में। ये कहानी है। इसलिए मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि कोई भी बायर है तो उसको सामान लेने से पहले उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को दुकानदार से पूछना चाहिए, उस सामान को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो उसके क्वालिटी के लिए, उसके प्रयोग के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। अगर नहीं बेहतर है तो यू शुड लीव दैट प्रोडक्ट, उसको नहीं लेना चाहिए। ये सिंपल सा जो इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, सेक्शन 16 में बताया गया इस एक्ट में, क्योंकि मतलब देयर इज, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट मैं एज इट इज बता दे रहा हूँ, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज सून द क्वालिटी और द फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट सेल। अब उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं हो जाएगी अगर इसके तहत कोई प्रोडक्ट उसने बेचा है, कोई गुड्स बेचे हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होलसेल हो गई ना कि आप पता करो क्या सही है क्या गलत है। कस्टमर जानता है ना कि वो किस यूज के लिए सामान को ले रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर डॉक्ट्राइन सेज दैट सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्टिव और इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स रेदर द बायर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, अगर सेलर उसको जानबूझ के कोई प्रोडक्ट खराब दे दे रहा है उसके मांगने के बावजूद, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, विक्रेता तब रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लीजिए मैंने मांगा कि मुझे पेन सिग्नेचर करने के लिए चाहिए, ठीक है, अब उसने मुझे पेन दे दिया कि जो मैं म्यूजियम में रख दूं, तब दुकानदार की गलती होगी। लेकिन अगर मेरा पर्पस मैंने उसको बता दिया है और मुझे मेरे पर्पस के हिसाब से उसने प्रोडक्ट दिया है, और मेरी वहीं पे सामान लेते समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर लूँ, चला के देख लूँ ना, ये सिग्नेचर करने के लिए कि म्यूजियम करने के लिए डेमो पेन है, ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट ये जो है निकल के चला जाए। अब देखिए, कैवियट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो एक्सेप्शंस हम बताएंगे आपको। देखिए, जब सेलर जो है, जैसे मैंने बताया, जो सेलर जो होता है बायर का पर्पस जान रहा है, उस पर्पस के हिसाब से भी अगर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है तब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। व्हेन द सेलर नोज द पर्पस ऑफ द बायर देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिविटी एंड ऑल। ठीक है, अब ब्रांडेड गुड्स अगर कोई है, कोई ब्रांडेड गुड्स हैं अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बनाए ही गए हैं, कि मतलब जैसे नेक बैंड है कि गले में अगर आदमी की हड्डी टूट गई तो उसको नेक बैंड गले में पहनना ही पहनना है, अब उसमें कोई इन्फीरियोरिटी आ रही, खराब हो रहा है, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी उठानी पड़ेगी और उठानी भी चाहिए, क्योंकि ये लीगली यही सही है कि ब्रांडेड गुड्स अगर आ रहे हैं, ये नॉन ब्रांडेड गुड्स के लिए नहीं अप्लाई होता है।
अब गुड्स सोल्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, अब जो कोई गुड्स, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन पर जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई का जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है ये पेट दर्द की दवाई है, ठीक। अब क्योंकि भाई हम लोग मेडिकल के नॉलेज हम लोगों को नहीं है, गए मेडिकल स्टोर पे, पेट दर्द की जगह उसने सर दर्द की हमको दवाई दे दी, और बल्कि हमने प्रेस्क्रिप्शन उसको दे ही रखा हुआ कि हमें पेट दर्द की दवाई चाहिए, नहीं देता है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब जैसे सैंपल सेल हो जाती है, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, जो दुकानदार जानबूझ के फ्रॉड कर दे रहा है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत हमें सिंपली ये बता देता है कि हमें कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेना चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमारे पर्पस को सूट कर रहा है कि नहीं, हमारा पर्पस अगर उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो वो फुलफिल होता है कि नहीं फुलफिल होता है। अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। अगर फुलफिलमेंट उस प्रोडक्ट की हो रही है हमारे पर्पस की, तो हमें वो प्रोडक्ट अपने पास रखना चाहिए। और अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, अगर हम बिना देखे ले ले रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत हमें सब मिला के यही बताता है कि लेट द बायर बी अवेयर, जैसे जागो ग्राहक जागो कैंपेन चल रहा है, वैसे ही ये लेट द बायर बी अवेयर का भी कैंपेन है कि लोग सामान खरीदने से पहले डेफिनेटली देखें, क्योंकि दुकानदार को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाओगे कोर्ट में अगर आप अपना पर्पज उसको नहीं बता रहे हो प्रोडक्ट्स के लिए। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आगे भी कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ। थैंक यू।